मेरा सामने का घर है और हम लोगों का ज़्यादातर बचपन इसी में गुजरा है, यहीं हमारा जन्म हुआ है। फिर पढ़ाई करने के लिए हम लोग मासी जाते थे, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। 5वीं तक हमने वहीं पढ़ा, उसके बाद 6ठी क्लास दूसरे स्कूल में गए, फिर 10वीं तक वहीं पढ़ा। उस समय तक हमारा जो है यहीं पर दिनचर्या रहती थी, खेलना, खेतों में काम करना, माँ बाप के हेल्प करना, दुकान में हेल्प करना, घर में कार्य में बताना, गांव का सीन। और इसी गांव के रास्ते से नीचे को हम जाते थे खेतों में। जब हमको दिल्ली जाना होता था तो हम इसी रास्ते से नीचे वापस बैठते थे। उस टाइम पर कई बार तो बसें ही नहीं मिलती थी, एक दिन दो दो दिन तक हम वेट करते थे। और बस मिल भी जाती थी तो बस छत पर तक, रामनगर तक हमको जाना पड़ता था। डायरेक्ट बस तो दिल्ली की थी नहीं, तो बड़े कष्ट सहन करे हम लोगों ने। 2-2 घंटा 3-3 घंटा वेट करते थे। आज तो दुनिया भर की बसें हो गई हैं, कारें हो गई हैं, सबके पास अपनी कारें हो गई हैं, बसें भी बहुत हैं। फिर रामनगर में जाके भी गर्मी में जो है हम लोग परेशान होते थे, बच्चों को देखो, सामान को देखो। ये हमारा पुराना घर, हमारे ताऊ जी का, स्वर्गीय श्री बालादेव जी ने बनवाया था ये। और ये बिल्कुल बगल में माधवानंद और धारादा जी का मकान, स्वर्गीय, दोनों स्वर्गीय हो गए हैं, जिनमें हमारा बचपन बीता है। हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं हमारा सब कुछ हुआ, पढ़ाई लिखाई, खान पान, रहन सहन इसी में हुआ। अब मैं आपको नीचे को ले जाता हूँ, यहीं से हम लोग जब भी दिल्ली को जाते थे तो ये हमारा रास्ता है। ये हमारी पुरानी डिग्गी जिसमें हमारा नहाना धोना ये है, नहाने का सब पुराना, उस टाइम पर भी मतलब आज से कम से 70-80 साल पहले बना हुआ था ये। ये नहाने का रूम है, ये देखिए नीचे का सीन। हमारे घर के आगे पेड़, केले, आम, ये ऊपर को गांव को जाने का रास्ता, पीछे की तरफ को मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं देखो मैं गांव का दिन का दृश्य दिखा रही हूँ। दिन में आज थोड़ा सा धूप है यहाँ पे, और ये देखो ऊंची पहाड़ियाँ, और पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर हमारा, ये पूरा गांव, ये देखिए। और ये है हमारा पुराना वाला मकान, ये हमारा तीसरा मकान है, ये तीसरा मकान है। और ये देखो गांव जब हम छोड़ के जाते हैं तो पर ऐसे जंगल हो जाता है। यहाँ पे आके ये सारी सफाई करो, सब कुछ करो, और उसके बाद फिर अंदर घुसो। लेकिन चाहे कुछ भी है, हमारा गांव बहुत प्यारा है और हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और ऐसा मन करता है यहाँ रह जाएं, लेकिन मजबूरी है कि हम लोग रह नहीं पाते, बच्चे हमारे उधर हैं। बस यह है कि हम लोग आते जाते रहते हैं। रात को यहाँ ठंड है और दिन में थोड़ा सा अच्छी धूप है, शाम और सवेरे ठंड है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है हमारा गांव, बहुत अच्छा। साफ सफाई की व्यवस्था चल रही है नीचे वाले मकान में। ये एक कमरा, ये देखिए ये पूरा सारा लीकेज आ रहा है, सीलिंग आ रही है। ये अंदर का कमरा, यहाँ भी सीलन आ रही है, सब खराब हो गया। देखो ना सीलन सीलन आए हुए, हाँ। ये दूसरा कमरा,
ये अंदर का कमरा, ये अभी हमने साफ सफाई कराई है अपना। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, बड़े बड़े हॉल टाइप के कमरे हैं, पिताजी ने उस टाइम पर बना दिए। ये आज हम इसको, हमारी दशा ऐसी हो गई है कि हम इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे नीचे का मकान है, उसके छत पर हम लोग खड़े हैं और साफ सफाई का अभियान चल रहा है। इसमें कुछ लोग नीचे लगे हुए हैं, कुछ ऊपर लगे हुए हैं। सामने जो है मंदिर का व्यू है। जी सामने हमारे जो है इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर, और उसके सामने राम पादु का मंदिर है जिसके हम लोग खनौली गांव के लोग पुजारी होते हैं। अभी बिखोती के मेले में, यहाँ पर बिखोती का मेला लगता है चैत के महीने में, जिसमें हम मुख्य पुजारी, हमारा ही परिवार है। इस बार हम बारी लगती थी, इस बार हमारा ही नंबर आया हुआ है और मेला भी 14 अप्रैल को हो चुका है। ये मंदिर हमारा इंद्रेश्वर महादेव पूरे गांव का मंदिर है। ये ऊपर जाने वाली रोड और लोगों के द्वारा जो गांव के ऊपर रहते थे, सब लोग अभी चढ़ाई के चक्कर में, चढ़ना पड़ने में उतरने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए सब लोग नीचे आ गए हैं। तूफान आ रहा है, आकाश में बादल, हवा में तेजी, ठंडक, अचानक मौसम परिवर्तन, ये पहाड़ का मिजाज। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कब मौसम बदल जाता है। देख रहे होंगे तो तेज हवा, ये बहुत घनघोर बादल है। ये औरतें जो आ रही है, अभी महिला मंडल धीरे धीरे वापस आ रहे हैं सब लोग। टाइल लगी हुई है, ये नीचे टाइल लग रही है, बहुत सारी औरतें नीचे आ रही है। देखिए तेज हवा, देखिए दातुल अच्छे हो, न बोलो बोलो भाई क्या दोस्तों, ये मैं हूँ। नहीं नहीं, काट के ला रही हूँ बस। मेरा ससुराल है, ये मैं हूँ, ये मेरा डाल है, ये मेरा दातुल है और ये मेरा घा है, और मैं फोटो शूट करा रही हूँ।
ये बड़ा बोलो किचन